KBPS 뉴스. क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील जी, इस हरपति गंगा में जल कम हो गया है और मछलियाँ भी मर रही हैं लगातार, तो नगर पालिका प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, क्या क्या समस्या है? भाई पोजीशन है, नगर पालिका इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लगभग दो ढाई महीने से यहाँ जल की बहुत कमी है, पब्लिक कहती है, अखबारों में निकलती है, मगर जल नहीं आता। या चाहे नगर पालिका प्रशासन की कमी हो अथवा चेयरमैन की कमी है, मगर यहाँ यह कमी चल रही है। इसमें जल न आने की वजह से यहाँ मच्छियाँ मरती हैं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में मच्छियाँ मारी जाती हैं, मरती भी हैं और कुछ लोग मारते भी हैं मच्छियों के लिए, उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा आज तक। और कुछ लोग पाउडर और दवाई वगैरह डालकर यह मच्छियाँ मार देते हैं, और कुछ यहाँ यह गर्मी की पोजन की वजह से इसमें जल नहीं है, उसकी वजह से यहाँ मच्छियाँ अधिकांश मात्रा में मर रही हैं इस समय। जबकि सोमवती अमावस्या आने वाली है, सोमवती अमावस्या इसी सोमवार के लिए है, मुझसे अब इसके चार दिन रह गए सोमवती अमावस्या के लिए। रविवार से है सोमवती अमावस्या की तैयारियां चालू हो जाती हैं, मगर यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। नगर पालिका प्रशासन ने अभी कोई तैयारी नहीं करी, ना इस वर्ष पुताई कराई है मंदिरों की और घाटों की, कोई ना कोई पुताई हुई है, ना कोई सफाई हुई है, ना कोई व्यवस्था हुई है नगर पालिका की। क्या नाम है आपका? सिंह बेंदेल। ये जो गंगा जी में जो जल कम हो गया है और सोमवती अमावस्या आने वाली है, मछलियाँ भी इसमें मर रही हैं, क्या कारण है? जल क्यों नहीं आ पा रहा है? नगर पालिका प्रयास नहीं कर रही है, या लोगों ने नगर पालिका तक बात नहीं पहुँचाई है, या नगर पालिका यहाँ पर देखने में वहाँ के अधिकारी असमर्थ हैं, क्या कारण है? सबसे मुख्य कारण तो ये है, यहाँ नगर पालिका हमारी उत्तरी तट पर क्या कहते हैं निर्माण कार्य करा रही है घाट का, जो कि दो महीने का कार्य है, अभी एक वर्ष पूर्ण होने को है, लेकिन अभी भी कार्य नहीं हो पाया है, जिस कारण से इसमें पानी की आवक रोक दी गई है। इस वजह से जलचर वगैरह भी मछलियां भी यहां कई दिनों से मर रही हैं, और पानी इतना दूषित हो गया है कि जो भारत से यात्री आते हैं वो आचमन लेने में भी संकोच कर रहे हैं। और समीप ही अभी क्या कहते हैं चार दिन बाद सोमवती अमावस्या का स्नान होने वाला है, जिस समय लाखों लोगों की भीड़ रहती है, उस दृष्टि से देखते हुए भी क्या कहते हैं पानी इतना वो नहीं है, शुद्ध नहीं है कि यहाँ स्नान कर सकें। नगर पालिका की घोर लापरवाही है, इसके लिए नगर पालिका को उच्च अधिकारियों के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जल्द से जल्द क्या कहते हैं इसमें पानी नया आए। वैसे ये दिसंबर का महीना चल रहा है और मेला जो अगहन मास का जो मेला लगता है, मेला मार्गशीर्ष, उस मेला लगने से पहले ही जल आना शुरू हो जाता है, क्या आपकी बार नगर पालिका ने कोई पहल नहीं किया क्या? जी नहीं, अभी क्या कहते हैं अभी तक मेला लगने का कोई भी क्या कहते हैं वो नहीं है, प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है कोरोना की वजह से, अधिकारियों का कहना है, लेकिन इस वजह से जल तो क्या कहते हैं निर्माण कार्य की वजह से नहीं आ पा रहा है, और निर्माण कार्य भी बहुत ही हल्की गति से चल रहा है। तो नगर पालिका से आप क्या मांग कर रहे हैं? नगर पालिका से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें जल आए, जिससे आने वाले तीर्थयात्री हैं, रोज़ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनको स्नान करने में और आचमन करने में संकोच महसूस ना हो।